अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट। पाकिस्तान एचवीएसीआर सोसाइटी के रिसेंटली बड़ी स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई 2023 से लेके 2025 तक। एक अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा बहुत सारी यंग जो टीम है उसने ज्वाइन किया तमाम चैप्टर्स के अंदर। हम लोग इस वक्त रमज़ान शरीफ साहब के जो 2023-2025 तक के प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान एचवीएसीआर सोसाइटी की तरफ से, इनके साथ मौजूद हैं। और ये हमारा रमज़ान साहब के साथ, बल्कि रमज़ान साहब का भी किसी के साथ एक पहला एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू है, जिसमें आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एचवीएसीआर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से रमज़ान साहब के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये चीज़ों को कैसे आगे लेके चलना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच रमज़ान साहब। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक चीज़ है, मैं एक आपका एक तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि मेरा मुशाहदा ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो आपको मुबारकबाद के पैगाम देते हुए भी भेजा, हमने देखा बहुत लोग थे, आपको मिलते हुए बहुत सारे लोगों को देखा। जो लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल है वो आज से पहले किसी प्रेजिडेंट के लिए मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं। कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत अच्छा भी है जी, और मेरे लिए एक चैलेंज भी है। और मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लोगों की मेरे से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जो टर्म 2015 और 2017 की थी, जो मोस्टली लोग मिले एज ए चैप्टर चेयरमैन, उस वक्त जो मैंने डिलीवर किया तो लोग उस कॉन्टेक्स्ट में और मेरा सोसाइटी में वक्तन फ़क्तन जो थोड़ा बहुत रोल एक्टिव रहा है तो उसको सामने रखते हुए लोगों की इस वक्त मेरे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जो कि इस वक्त मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना। और मैं इंशाल्लाह मेरी मुकम्मल कोशिश होगी मेरी और मेरी टीम की कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करूं और उसके ऊपर पूरा उनके मैं आप करता हूं। आपसे जो जरूरी बात करने वाली है वो आज समझने के हम ये कुछ पॉइंट्स, हमने आपको मुख्तलिफ जगहों पे बात करते हुए सुना, इस्लामाबाद में और स्टेकिंग सेरेमनी के दौरान भी, उसके बाद कराची में भी, लाहौर के एक दो इवेंट्स में भी। आपने कुछ बिल्कुल कुछ नई चीज़ें सोसाइटी के अंदर जो कि इससे पहले किसी के दिमाग में नहीं थी और बड़ी ज़रूरी भी हैं, वो उनका तस्करा किया कि आप उनको सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से एक इंड्यूस करना चाहते हैं सिस्टम के अंदर, उनके ऊपर कुछ आप अपने पॉइंट बताइए और वो क्यों आपके जहन में आई और उनका होना क्यों ज़रूरी है? दिमाग में क्यों आई, चूँकि ज़ाहिर पाकिस्तान एचवीएसीआर सोसाइटी भी है, मैं तकरीबन 2004 से इसका मेम्बर इसके साथ अटैच हूँ और इसके अलावा भी मैं कुछ और बॉडीज के साथ भी अटैच हूँ और हम ग्लोबली ट्रेवल करते हैं तो अदर बॉडीज़ को भी देखते हैं। तो जब मैं उनका कंपैरिजन करता हूं तो जो मुझे लगता है कि जिन एरियाज में उन्होंने एक्सेल किया या उन एरिया में एक्सेल नहीं कर सके तो उनको मेरा ख्याल फोकस किया जाए। और सेकेंडली जो मेरे जहन में जो चीज़ ये आती है, हमारी सोसाइटी के एम दैन ऑब्जेक्टिव हैं, मैंने कोई बात एम दैन ऑब्जेक्टिव से बियॉन्ड नहीं की, जस्ट उनको केयरफुली स्टडी किया और उसमें देखा कि हम जिन चीज़ों में लीड कर रहे हैं वो तो ठीक है, जहाँ पे लैक कर रहे हैं उनको फोकस किया जाए, तो उनको मैंने प्रायोरिटाइज किया और वही मेरा कोर एजेंडा है। वंडरफुल। और उनमें से कौन कौन सी टॉप की चीज़ें जो आपके जहन में? देखिए, एक तो हमारी सारी एक्टिविटीज जैसे स्मूथ चल रही थी इंशाल्लाह वैसे की वैसे चलती रहेंगी, और उसको मैंने पहले भी कह चुका हूँ, सिंस जब से सोसाइटी स्टार्ट हुई है जो इनिशिएटिव लिए गए लास्ट में लिए गए, इंशाल्लाह वी विल कीप इट कंटिन्यूटी और इवन के मजीद डेडिकेशन के साथ उसको कोशिश करेंगे। और जो मेरा कोर जो फोकस होगा, जो मैं पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर चुका हूँ, मैं पर्सनली सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत बिलीव करता हूँ। ट्रू। इंडिविजुअल की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो अगर मेरा बिजनेस है तो मेरी टीम की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी है तो सोसाइटी के मेम्बर्स की, इवन के सोसाइटी का जो स्टाफ है उनकी रेगुलर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, विदाउट अपने सेल्फ डेवलपमेंट के आप एक्सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। दुनिया में जितने भी मॉडल देखते हैं, सक्सेसफुल मॉडल, कोई इंडस्ट्रियल्स देख लें, उनकी जब आप जो स्टडी करते हैं लाइफ को, उनमें एक चीज़ कॉमन मिलती है, सेल्फ डेवलपमेंट। मैं खुद भी इसका हिस्सा हूँ, मैंने बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट किया और कंटिन्यूस अपनी डेवलपमेंट की। और मैंने उसे, मैं कराची बात कर रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट जब मैंने जॉब भी की ना, मैंने कभी अपने एम्प्लॉयर से आज तक सैलरी इंक्रीज का नहीं कहा, मैंने नेवर एवर बीन, ठीक, मैंने खुद को डेवलप किया एक लेवल
अपने आप को अप किया और ऑटोमेटिकली आपको उसका रिटर्न मिलता है। हाँ, कहीं डिस्प्यूट अगर आपको आपका राइट नहीं मिलता तो वहाँ पे शायद मैंने उस पर डिसएग्री किया है, उसको क्लेम किया, अदरवाइज वैसे मैंने डिमांड नहीं की। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हम ट्रेनिंग एंड कोचिंग को फोकस करें और इसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ, कहते मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं खुद को भी इस पर अपने आप को भी दोबारा अपने आप को मजबूत करूँ, मैं अपनी याद दहानी के लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि हम सोसाइटी के अंदर इस कल्चर को डेवलप करें। जो हमारे ऑफिसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के पास अच्छे इस वक्त वेल इक्विप्ड ऑफिस हैं और वर्क फोर्स भी है, स्टाफ मौजूद है, तो हम थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करें अब इस तरफ कि हम अपने इन ऑफिस को कन्वर्ट करें लर्निंग सेंटर्स के अंदर। यहाँ पे रेगुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं मुख्तलिफ फील्ड मुख्तलिफ लेवल से वो ताल्लुक रखते हैं, तो हर बंदे के लिए हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि उस शख्स को मौका मिले कि सोसाइटी से प्लेटफॉर्म से उसके पास एक मौका हो वो अपने आप को कंटिन्यूस डेवलप कर सके। सर मसला ये है कि तो आपकी सोसाइटी के जो दीगर लोग हैं उनको ये बात समझा देना भी एक आपके लिए एक चैलेंज है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं कुछ और सोसाइटीज़ और एसोसिएशन का मेम्बर हूँ, जैसे हम मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है और मैनेजमेंट एसोसिएशन, इस हमारी एसोसिएशन में और बाकी और जगहों के ऊपर ये वाले काम बड़े रेगुलरली होते हैं। हालांकि वहाँ पर शायद मार्केटिंग सिखाई जानी चाहिए, वहाँ पर शायद कुछ और, लेकिन वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट यस इट्स ए वेरी ब्रॉड टॉपिक एंड वेरी गुड टॉपिक। इसको अटेंड किया हुआ है, बड़े बड़े अच्छे स्पीकर्स आते हैं जो लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन जो ऑडियंस है उसने उसको परसीव कर लिया कि यस दिस इज ए वंडरफुल एक्टिविटी एंड वी शुड ऑन इट। एचपीसीएफ सोसाइटी के अंदर आपके ख्याल में लोग इस चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे? अच्छा, मेरा ख्याल है अगर उनको कभी कभार जो मेरी ज़ाती सोच है, शायद कभी कभार किसी चीज़ को कन्वे करने में कम्युनिकेशन गैप होता है। ट्रू, अगर आप किसी चीज़ के किसी की उसकी अफादियत को उसके फ़ायदे को अच्छे तरीके से बयान करते हुए एक अच्छे तरीके से आप कन्वे करें तो मेरी ज़ाती सोच है कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ये तो हो सकता है कि थोड़ा देर से करें या ग्रेजुअल करें, लेकिन एक्सेप्टेंस उसकी होती है। अभी तक मैंने जितने लोगों से इस टॉपिक पे बात हुई है, मेरा ख्याल है कि 100% लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। नहीं, नहीं, बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है ये, और इसमें सपोर्ट भी उन्होंने बोला है। मैं अक्सर उस दिन कराची में बात कर, बड़ी जरूरत भी है। एग्जैक्टली, सोसाइटी के अंदर बड़ी जरूरत है, सोसाइटी में बहुत बहुत जरूरत है। आप लोगों की चीज सोसाइटी के अंदर टेक्निकल स्किल्ड लोग बहुत सारे होंगे, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हुआ हुआ। देखिए, मैं वही बात, टेक्निकल साइड तो है ही डेवलपमेंट, वो तो उसकी जरूरत होती है सोसाइटी को, पैरेलल चलनी है, वो जरूरी है। कुछ एक्टिविटीज एक उससे हटके जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट्स हैं, आपकी जो बिहेवियर साइंसेज हैं, इमोशनल साइंसेज हैं, उनको आप कैटर करें। आप एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं? अगर हम लोग अच्छे तरीके से डेवलप होंगे तो हम अच्छे तरीके से सोसाइटी को सर्व कर सकें। बेसिकली हमारी जो अबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको हम अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। वंडरफुल आइडिया। अल्टीमेटली वो मेरा ख्याल है कि इसमें सोसाइटी की ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट लेवल पे कुछ मैंने आपको एक दो मौकों पे ये कहते सुना कि आप कुछ बायलॉज के अंदर इम्प्रूवमेंट, चेंजेस तो नहीं कहना चाहिए, इम्प्रूवमेंट, वो क्या क्या चीज़ें आपके जहन में? इस्लामाबाद में पहली स्पीच के अंदर काफ़ी तफसील से मैंने वहाँ बयान किया था इस चीज़ को कि सोसाइटी जब फॉर्म हुई तो 1993 में, उस वक्त बड़ी एक इनिशियल स्टेज थी, बहुत डेडिकेटेड लोग थे और उन्होंने कोशिश की और वक्तन फोक्तन कुछ माइनर चेंजेस बायलॉज के अंदर होती रही हैं। इस वक्त तकरीबन 30 साल गुजर चुके हैं और जाहिर है हालात वैसे नहीं है जैसे पहले, ओवर द इयर्स चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं, डायनामिक चेंज हो गई हैं, और उस वक्त के मुताबिक वो जो बायलॉज थे वो सफिशिएंट थे। अब जिस तरह से सोसाइटी की ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, वर्टिकल एक्सपेंशन, मैंने एक मिसाल देकर समझाया था, अगर एक शख्स जिसकी एफिलिएशन सोसाइटी के साथ तो पिछले 20 साल से है, 15 साल से है, अगर एक शख्स आज सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं तो हमारे बायलॉज उसको अलाउ करते हैं कि वो 3 साल बाद प्रेजिडेंट हो सकता है। मैं नहीं समझता कि जो सोसाइटी के अंदर आपकी जो बेसिकली स्टेक होता है, एक तो आपका बिजनेस में स्टेक होता है ना कैपिटल के फॉर्म में, पैसे की सूरत में, सोसाइटी में आपका स्टेक होता है कंट्रीब्यूशन के फॉर्म के अंदर, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के अंदर। जिन्होंने 20 साल 25 साल कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को इस स्टेज में लाने में, जो शख्स आज मेंबर बनेगा 3 साल बाद प्रेजिडेंटशिप के लिए अगर आ जाता है वो, तो वो दोनों का स्टेक बराबर नहीं हो सकता, दोनों की फीलिंग सेम नहीं हो सकती।
एक्सपीरियंस और उनकी कैपेबिलिटी सेम नहीं हो सकती, कैपेबिलिटी और सोसाइटी के साथ आपका एक्सपीरियंस, आपकी डेडिकेशन, आपकी डिवोशन वो उस तरह से नहीं हो पाएगी। आप इसको भी एड्रेस करेंगे? मेरा ख्याल है कि अभी हमारे बायलॉज में ना बहुत गुंजाइश है बेहतरी की, तो मेरी जाती सोच ये और इस जैसी और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी। एक तो नंबर वन तो यह है कि हमें मेंबरशिप की कैटेगरीज होनी चाहिए, ग्रेजुअली आदमी को एक्सेल करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। वो एक तो टाइम फैक्टर है कि कितने अरसे के बाद मेंबर को आप अपग्रेड करें, फिर दूसरा उनकी कैपेसिटी एबिलिटी, उसके मुताबिक आप एफोफिक बैरियर्स को उनको कैटेगराइज करके तो उनकी ग्रेडिंग मेंबर्स की होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। ये बात मैंने आज से 6 साल पहले भी की थी और पिछले जो कपल ऑफ ईयर्स में कुछ चैलेंजेस सोसाइटी ने फेस किए हैं और उस मेरी बात ने इसको साबित किया कि उस वक्त बात में ये जो कर रहा था वो ठीक कर रहा था। अगर हमने उस वक्त स्टेप्स लिए होते शायद कुछ चैलेंजेस जो फेस हुए हमें वो शायद हम ना करने पड़ते, बच जाते उससे, हम उससे अवॉइड हो सकते थे। वो तो मेरा ख्याल है कि एक तो सबसे पहले तो ये इन चीज़ों को ना हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, इसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें बेहतरी की गुंजाइश। हाँ, ज़ाहिर है वो तो आप स्टेप्स में जब अंदर सिस्टम के अंदर घुस के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। फिर आपने कहा कि हम टेक्निकल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर वो अपने मेम्बर्स को कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो चूंकि हमारे मेंबर्स का डाटा बेस प्रॉपरली वो नहीं है, जिसको यानी एक उसकी प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं है, तो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं कोई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल करवाती है, कोई और टेक्निकल एसोसिएशन करवाती है, कोई वेबिनार हो रहा है, कोई ऐसी चीज़, तो हमें उनको कम्युनिकेट करना चाहिए मेंबर्स को। बिल्कुल, मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग इलेक्शन, जो मेरे पास लिस्टें आई थी वोटर्स की, चूँकि हम उस प्रोसेस में से गुजरे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा डाटा एक्यूरेट नहीं है। मेल्स हमारी उसमें से बहुत सारी मेल्स इनकोरेक्ट हैं, फिर सेल कॉन्टेक्ट उनके इनकोरेक्ट, कुछ पुराने हो गए, कुछ चेंज हो गए, ऑब्सोलीट हो गई चीजें। कुछ लोगों का ऑफिस नंबर था सेल का, उन्होंने जॉब स्विच की तो हमने अपडेट नहीं हो सका हमारे पास। फिर कुछ लोग अब्रॉड चले गए तब उनके अब्रॉड के नंबर एक्टिव है, यहाँ के नंबर उनके, बहुत सारे उसमें रीजन है। ईमेल आईडी अपडेट नहीं है जो कि अप टू डेट होनी चाहिए। सबसे पहला मेंबर के साथ जो आपका वो है एटलीस्ट आपकी रीच होनी चाहिए उस तक, डिलीवर तो आपने बाद में करना ना, सबसे पहले तो आप उसे कम्युनिकेट तो कर पाए ना, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। उसमें जो मैंने देखा है कराची में भी और तमाम चैप्टर्स के अंदर, उसमें बहुत सारे एरर हैं, सिर्फ एरर नहीं है बहुत सारे। मैं नंबर शेयर नहीं करना चाहता शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें करेक्शन की जरूरत है, उसमें बेहतरी की जरूरत है। मैंने आते ही टीम को जो सबसे पहले मीटिंग की थी उसमें ये टास्क दिया था कि हम अपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं एटलीस्ट ईमेल आईडी और उनका सेल कॉन्टेक्ट है उसको प्रायोरिटी पे हम वेरीफाइड मुझे चाहिए डाटा उसका। वेरीफाइड मीन कि आप एक बंदे का आपके पास नंबर आए तो आप एटलीस्ट उन्हें कॉल करके उनसे पूछ लें, व्हाट्सएप करके वेरीफाई कर लें, रिक्वेस्ट कर लें। जैसे मेरे अपने पर्सनल एक ऑफिस का नंबर है, एक मेरे पर्सनल नंबर है, तो आप उन लोगों से पूछ लें कि उनका कौन से नंबर पर वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। सेकेंडली ईमेल, कभी कभार ईमेल में आपके टाइपिंग में एरर आ जाता है या समझने में एरर आ जाता है, आपने एक बंदे ने स्पेल किया आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, मीन वेरीफाइड फॉर्मेट डाटा वो आपने ईमेल करें रिटर्न में आपको एक्नॉलेज करें, तो आप उस किस्म का डाटा सबसे पहले एक उसको ना बिल्कुल ठीक है, डाटा इंप्रूव होने से बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और उसकी जो डेडलाइन है वो मैंने शायद 27th हमने ऑफ लिया था, 26th उसकी डेडलाइन है कि 26th तक तमाम चैप्टर्स को बोला होगा कि इसको आपने वेरीफाइड 27th या 26th दिसंबर। बेंचमार्क दिया है वो कोशिश कर रहे हैं, वो वीकली मेरे पास आ जाता है कि इतने बंदों का वेरीफाइड हो चुका है। आई होप कि इंशाल्लाह 26 तक जो ना पहला गोल ये है कि उनका एटलीस्ट हमारा उनके साथ एक कॉन्टैक्ट हो सके, फर्स्ट कॉन्टैक्ट डेवलप हो गया और फिर चीजें बेहतर हो रही हैं, बंदा उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। व्हाट नेक्स्ट? इस एक तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है जो आप लेना चाह रहे हैं, इसके अलावा डेटाबेस के साथ साथ डेटाबेस के हवाले से पूछ नहीं, इसके अलावा डेटाबेस तो हो गया ना, तो खैर डेटाबेस के हवाले से बता दूं, डेटाबेस में पहले भी आमिर साहब ने काफी काम किया, उस पे बड़ी अच्छी एक्टिविटी आमिर साहब की, उसको मजीद बेहतर ये करें कि डेटाबेस में उस आदमी की उनका एजुकेशन प्रोफेशन और उनका फील्ड कुछ डिटेल हमारे पास आने चाहिए, ताकि हम कोई अगर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो हम एटलीस्ट टारगेट ऑडियंस को हम खुद एवेल्युएट करके उनको टारगेट कर सकें। बिल्कुल। अभी लास्ट वीक इस्लामाबाद में एक एक्टिविटी थी, तो जब मैंने टीम से पूछा उन्होंने बताया कि हमने व्हाट्सएप पे ना मैसेज क्रिएट कर दिया है, तो वही बात है कि ऑडियंस तो एक एक्टिविटी हमने की इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, तो एक उससे जो रेलिवेंट बंदा नहीं है तो उसके लिए वेटेज नहीं होगी। तो मैंने उनको खैर कॉल करके बोला कि आप इसमें से लिस्ट में सॉर्ट आउट करेंगे कितने इंजीनियर कितने आर्किटेक्ट हैं हमारे मेंबर्स हैं, देन टारगेट करके उनको नॉट ओनली मैसेज ग्रुप पे फ्लोट ना करें, उनको पर्सनल मैसेज भी करें, और पर्सनल मैसेज करके उनसे टेलीफोन कॉल करके कर्टेसी कॉल भी करें, उन्हें कन्वे करें कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप नहीं देखते,
या इतना ट्रैफिक होती है कि आप नहीं उस तक व्यू कर पाते, मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उन्होंने जस्ट एक्सरसाइज की ये 3 दिन कि लोगों को मैसेज कम्युनिकेट किया, टारगेट ऑडियंस को रीच किया। तो इस्लामाबाद उस एक्टिविटी में 80 के करीब हमारी ऑडियंस थी उस वक्त। नतीजे आना शुरू हो गए हैं। हाँ, नतीजे इंशाल्लाह आएंगे, आगे भी आएंगे। थोड़े डायरेक्शन बेहतर है, एक्टिविटी को टीम को गाइड करने की जरूरत है, जो कर रहे हैं इंशाल्लाह। पहले भी डिलीवर कर रहे थे, इसको और थोड़ा बेहतर सूरत में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक इफेक्टिवनेस में बेहतरी आए। डेटाबेस की इंप्रूवमेंट से बड़ा फर्क पड़ेगा। डेटाबेस तो जरूरी है जी आजकल। डेटाबेस के बाद अगले स्टेप आपके जेन में क्या है? मेरा प्लान है कि मैं एटलीस्ट उसको स्टार्ट करूँ। बहुत बड़ा स्टेप है, इट्स नॉट इजी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, इनिशिएटिव लूँ, कम से कम उसके एक कुछ बेसलाइन बना के जाऊँ। एक्टिविटी करेंगे भी और ताकि उसके टारगेट ऑडियंस को हम ट्रेनिंग दें। टेक्नीशियंस के लिए टेक्नीशियन को टारगेट करके ट्रेनिंग दें, सुपरवाइजर को सुपरवाइजर टारगेट करके ट्रेनिंग दें, सर्विस इंजीनियर को सर्विस इंजीनियर की दें, सेल इंजीनियर को सेल्स की दें, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन की दें, एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर की दें। इस तरह से टारगेट करके कोशिश करेंगे हम। बहुत अच्छी अप्रोच है। फिर जो सेकेंडली जो मेरा एक इरादा था वो हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर R&D के ऊपर भी है कि हमने कुछ ना कुछ इस्टेब्लिश करना है, जो कि मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाए माजी के अंदर ना, इसलिए एरिया हमारा शायद कुछ लैक कर रहा है। ज़ाहिर है ये एक बहुत एक R&D एक बहुत ब्रॉड मीनिंग वर्ड भी है, फील्ड भी है। तो मेरा मतलब कतन ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़े को प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट हम किसी डॉक्यूमेंट्स की सूरत में कोई स्टैंडर्ड्स, कोई कोड्स अपने इक्विपमेंट के अतबार से, किसी एतबार से हम कहीं ना कहीं से एक इनिशिएटिव लेना शुरू करें। ओके, टेक्निकल पेपर्स को हम इनक्रेज करें, लोगों को सपोर्ट करें। मैं नहीं समझता कि सब कुछ मुफ्त में होना चाहिए, और मुफ्त में सब कुछ होता भी नहीं है। हम पे करें टेक्निकल लोगों को, इनकरेज करें ताकि वो पेपर लिखें, टेक्निकल पेपर्स लिखें, हम उसको अपने आपको भी दें, आप लोग प्रिंट करें, हम अपने जवानों में प्रिंट करें, उनको इनकरेज करें। मुझे तो कोई पाकिस्तान के अंदर मास्टर में 2 बुक्स जानता हूँ जो लिखी गई रेफ्रिजरेशन कंडीशन के ऊपर, जिनको मैं जानता हूँ, शायद एक आधा ज़्यादा भी हो, वो राइटअप हमारे पास नहीं है ज़्यादा इस फील्ड के अंदर। इसमें कुछ लोगों को इनकरेज करें ताकि लोग इस पर लिखना शुरू करें। वेरी गुड अप्रोच। माय ऑब्जेक्टिव कि हम एटलीस्ट एक इनिशिएटिव लें, स्टार्ट लें। जब स्टार्ट लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि आज हम करेंगे तो मुमकिन है कि वो एक 5 साल बाद अच्छी स्टेज पर पहुंच जाए, 10 साल बाद पहुंच जाए, लेकिन एक कदम उठाने की जरूरत है, स्टार्ट लेना पड़ेगा, एक कदम उठाना पड़ेगा, छोटा सा कदम। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो फर्स्ट स्टेप ना इस टर्म के अंदर हम कुछ 1-2 छोटे छोटे स्टेप ले लें, जो फिर आने वाले वक्त में ना उनको आगे एक प्लेटफॉर्म मिले, उसको आगे लेके जाया जाए। बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो मेरा मेजर था ना वो था जी, विदाउट अकेडमिया को एंगेज किए बगैर आप R&D या किसी डिपार्टमेंट में आप एक्सेल नहीं कर सकते। सही। अगर हमने रोल मॉडल देखे तो जिन कॉमों ने तरक्की की है तो उनको देखें कि आया उन्होंने विदाउट अकेडमिया की है या विद अकेडमिया की है। बिल्कुल ठीक है। हम इसको इनकरेज करें, अकेडमिया को R&D के अंदर इन्वॉल्व करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट दें, असाइनमेंट दें, उनको अपने साथ अटैच करें। गुड आइडिया। जब अटैच करेंगे तो कोई ना कोई छोटे छोटे स्टेप इंशाल्लाह बड़े स्टेप्स भी आपके बनेंगे उसके अंदर। स्टूडेंट्स आपके पास आउट होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके पास जॉब नहीं होती, तो क्योंकि वो आपको भी अंदाजा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में चूँकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, जब आप फील्ड में आते हैं तो इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो हम बच्चों को उनके लिए इंटर्नशिप के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, सोसाइटी इंटर्नशिप का प्लेटफॉर्म 3-3 माह 6-6 माह को कैसे मॉड्यूल बनाए ताकि एक बच्चा इंटर्न नहीं बने, इंटर्नशिप के बाद वो कम अज़ कम स्टेबल हो जाए कि कहीं ना कहीं जॉब कुछ ना कुछ कर सके। कंटिन्यूस उसको इंटर्नशिप आप करवाते रहें। वो मुमकिन है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इनहाउस नहीं उसकी एडजस्टमेंट हो जाए या किसी और जगह, उसको एजुकेशन के बाद कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। कराची में मुलाकात हुई मेरी इंजीनियरिंग काउंसिल में और मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग काउंसिल तो इटसेल्फ इसको बड़ा इनकरेज करती है, तो उनके साथ मिलकर भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि वहाँ से भी ग्रेजुएट्स लें। मेरा एक कैंपेन है, कुछ दिनों बाद ऑफिशियली इंशाल्लाह जैन में इसको फ्लोट भी कर देंगे। मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी हमारे सोसाइटी के कमर्शियल मेंबर्स हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन, जितने इंडिविजुअल जिनके अपने बिजनेस हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट एक डेस्क, एक बेंच, एक वर्क स्टेशन डेडिकेट करें इंटर्नशिप के लिए, मिनिमम पॉसिबल। कोई इससे ज्यादा कर सकता है तो वेल एंड गुड। अपनी साइट्स के ऊपर कोई गुंजाइश पैदा करें एक इंटर्नशिप को अकोमोडेट करने की, वर्किंग साइट्स हैं अपने ऑफिस में आप अकोमोडेट करें, जिस कैपेसिटी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें, आप उस पर कंट्रीब्यूट करें। मुझे उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह इसमें 2-3 फायदे होंगे। बहुत सारे बंदों की शिकायत होती है कि उनको स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलती जी, क्योंकि सारे फ्रेश बच्चे आते हैं सारे,
एक तो उनको क्वालिफाइड स्किल्ड लोग मिल जाएंगे, अल्टीमेटली जब इंटर्नशिप करेंगे कुछ सीखेंगे तो वो भी प्रोफेशन से कुछ बेहतर होंगे, तो हमारी इंडस्ट्री में एक सपोर्ट मिलेगी। फिर दूसरा यह है कि बहुत सारे ग्रेजुएट जो इंजीनियरिंग से डीमोटिवेट होकर फील्ड अपने चेंज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल जब उनकी जॉब प्लेसमेंट होगी जहाँ से कुछ सीखेंगे, जॉब्स हैं अब्रॉड बड़ी जॉब्स हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद आप उसको हंट नहीं कर पाते, तो वो आप उन बच्चों के लिए एक रोजगार का जरिया बनेंगे, अल्टीमेटली वो सोसाइटी में फ्यूचर में सोसाइटी एक एसेट बनेंगे। जब एक सोसाइटी उनको इनिशियल अर्ली स्टेज में मुश्किल वक्त उनको सपोर्ट कर रही है, उनकी सोसाइटी के साथ अटैचमेंट होगी, तो आने वाले वक्त में हमारे पास एक हेल्दी मेंबरशिप होगी और क्वालिटी की मेंबरशिप भी होगी। वंडरफुल, ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ये वो हैं जो कि आप एच पी सी आर सोसाइटी के साथ साथ जो जनरल सोसाइटी है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी कोशिश में है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ अपने तौर पर इंजीनियरिंग पोस्ट के प्लेटफॉर्म से, मैं आप लोगों के प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज को जानता हूँ जिनके पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत अच्छी स्किल है और बहुत अच्छा दिमाग है, ऐसे सीईओस बैठे हुए एच पी सी आर इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप लोग इनको किसी तरह एक दो लोगों को बीच में से इनक्रेज करें कि जो मेड इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है उसको लेके कि जो जिन कंपनीज के साथ वो लोग बाहर उनके एजेंट्स के तौर पे या प्रिंसिपल्स के तौर पे उनके साथ एक एसोसिएशन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स करें और छोटे छोटे सेटअप्स को यहाँ पर इंगेज करने की कोशिश करें। मैं सिर्फ एच पी सी आर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, एच पी सी आर सेक्टर की, तो वो अगर थोड़ी सी हिम्मत करें तो ये काम हो सकता है। नहीं, वो मेड इन पाकिस्तान का तो मैं इंशाल्लाह भी आपसे शेयर करता हूँ जो मेरे दिल में आइडियाज हैं। आपका बड़ा अच्छा आइडिया है, बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता है और कुछ तो हमारे हालात ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली के मुल्की हालात जो कि इंडस्ट्री को इतना इंकरेज नहीं किया जाता, बहुत सारे इशूज़ हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर कुछ शहर के लोग भी ज़्यादा किसानों मरण का शौक भी सीखा ना, कुछ हमारे अंदर भी कमी है कि कुछ हमारे अंदर भी कुछ हमने भी शायद उस तरह से कोशिश नहीं की, बहुत कुछ हो सकता। अब तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इशू नहीं है, अब ये टेक्नोलॉजी इट्स वेरी कॉमन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो आपके पास आईटी के टूल्स अवेलेबल हैं, ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आपने जस्ट पे करना, टूल आपने एंगेज कर लेना है। अब आपके डिजाइन सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, आप अपनी कस्टमाइजेशन के मुताबिक उनसे सॉफ्टवेयर ले लें, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट उसको वो डेवलप करना, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद कैलकुलेट करके, तो आपको जो मोस्टली कंपनीज कर रही हैं, मेरा खुद क्योंकि एक्सपोजर है मल्टीनेशनल्स के साथ, तो वो इतनी बड़ी अब साइंस नहीं रही आईटी के बाद, जब से इंफॉर्मेशन अब ये बड़ा आसान हो गया, अब ये इट्स वेरी इजी। तो आपके ज़हन में वो क्या चीज़ें हैं जो आप मेड इन पाकिस्तान के, देखिए मेड इन पाकिस्तान के हवाले से मैं जो ज़ाती तौर पर समझता हूँ ना, नंबर वन जो जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, मैं जो मुझे ईजी वे नज़र आते हैं आसानी के साथ, बजाय सब कुछ खुद करने के ना, आप कोशिश करें कि जॉइंट वेंचर्स की तरफ जाएं, ठीक है, वो सबसे बेस्ट मॉडल है, आप तो सारा कुछ नहीं कर सकते, एक बंदे का एक्सपीरियंस है 30 साल का 35 साल का, आप उसके एक्सपीरियंस से फायदा लें, फायदा लेके जॉइंट वेंचर करें और यहाँ पे ग्रेजुअली आप चीजों को डेवलप करना शुरू करें। इनिशियली मैं अज्यूम कर लूं कि आप 100% वहां से इंपोर्ट करके यहाँ पे असेंबल करें, लेकिन आपका 5-6 साल का एक प्लान होना चाहिए कि पहले साल में 10% लोकलाइजेशन करनी है, अगले साल में मजीद 10% करनी है, और स्ट्रांगली बिलीव कि जब इस फुटप्रिंट पे चलेंगे तो इंशाल्लाह आप डेवलप कर लेंगे, नॉट 5 साल लग जाए, लेकिन 5 साल लग जाए, चैलेंजेस बहुत हैं, इंडस्ट्री जो डेवलप होती है वो एक्सपोर्ट बेस्ड भी होती है, हमारा जो बिजनेस की जो सेंस है, जो पाकिस्तान की मार्केट साइज को इतना बड़ा मार्केट साइज नहीं है एचवीए के हवाले से, विदाउट एक्सपोर्ट किए इंडस्ट्री को अच्छे लेवल पे सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन सस्टेन किया जा सकता है, फिर भी इतना छोटा मार्केट साइज भी नहीं है हमारा, चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को इसलिए आप कैटर कर सकते हैं कि आप जेवी करें, जेवी करके ग्रेजुअली आप ट्रांसफर करें, और उसमें मेरा ख्याल से काफ़ी आसानी है। नंबर टू जो ये तो आगे जो जिन लोगों का जिक्र आपने किया है, बिल्कुल ठीक है, मैंने उस आपके उसका जवाब दिया, मैं मेड इन पाकिस्तान में जो मैं खुद मेरा जो एक कोशिश है कि मैं जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ उस पर्सपेक्टिव को, जिस पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ वही है कि जब तक आप अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करते ना, तब तक आप किसी इंडस्ट्री को नहीं डेवलप कर सकते, बिल्कुल ठीक है, अगर हमने सारा कुछ बाहर से मंगवा के असेंबल ही करना ना, तो कब तक करते रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ, जो मैंने बात की ना, पहले साल 10% लोकलाइजेशन, अगले साल 20%, वो तब कर पाएंगे जब लोकली उनके पास अवेलेबिलिटी होगी, अदरवाइज तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। हमने कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, डेवलप करना, और कॉटेज इंडस्ट्री कुछ हद तक डेवलप है भी, मैं नहीं कहता हूँ आपको द मार्क है, लेकिन कुछ हद तक डेवलप है हमारी। अब मेरे ज़ाती तजर्बे के अंदर बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं कि जो चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं सेम चीज़ें पाकिस्तान में
नॉट सिमिलर क्वालिटी, लेकिन अप टू 80% 85% क्लोज टू उसके मुताबिक वो बन रही है, लेकिन उन दोनों का आपस में गैप है कम्युनिकेशन का। वो उनको बनाने वाले को ये नहीं पता कि किसको किसको चाहिए, 100% रीच नहीं उसकी, किस किस को चाहिए उसकी शायद लिमिटेड रीच है। बाहर को ये नहीं पता कि कौन कौन लोग बना रहे हैं उसके अंदर। उसके अंदर मेरा एक नंबर वन आइडिया ये है कि एक हमारी मेन स्ट्रीम में एक्सो चलती है, वो एक्सपो चल रही है, वहाँ भी हम मेड इन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ प्रमोट करेंगे। एक मेरा आइडिया है कि हम छोटे छोटे इवेंट करें डेडिकेटेड फॉर मेड इन पाकिस्तान, बहुत बड़े बजटरी कॉस्ट के अंदर, जिसके अंदर कम कॉस्ट में आप अफोर्डेबिलिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी हो इकोनॉमी को, क्योंकि जो छोटे छोटे लोग हैं एक तो उनका एक कहते हैं कि उनकी आदत नहीं होती एक्सपो में जाने की, वो इसको एक्सपेंस समझते हैं, मैं इसको इन्वेस्टमेंट समझता हूँ, तो उनको कायल करने के लिए जरा कम बजट में थोड़ा सस्ता माहौल में, ताकि हम बायर को और मैन्युफैक्चरर्स को दोनों को ब्रिज कर दें दोनों के दरमियान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो लोग बना रहे हैं वो लोग भी आ जाए वहाँ पे, जो कॉटन इंडस्ट्री है वो भी वहाँ पे आ जाए, ताकि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए। वो उस तभी होगा कि जब उनको आप बड़ा कम खर्च के अंदर छोटे छोटे इवेंट, लाहौर का बंदा है तो कराची मत लेके जाएं उसको, हम सिर्फ लाहौर को टारगेट करें, सोसाइटी ऑफिस सबको डिग आउट करें, कोई शख्स एक वॉशर को स्कूल बना रहे ना, हम उसको भी टारगेट करें, उसको कन्विंस करें कि वो एक्सपो में आ जाए, वहाँ पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को लेकर सबको एक प्लेटफॉर्म के अंदर इकट्ठा करें। ये छोटी एक्सपो का प्लान है, ये एक्सपो हम लाहौर में भी करें, हम कराची में भी करें, हम इस्लामाबाद में भी करें रेगुलर बेस के ऊपर, जिस तरह चाइना रेफ्रिजरेशन के नाम से किया, तो मेरा एक आइडिया कि हम पाक रेफ के नाम से प्लान करें, पाकिस्तान रेफ्रिजरेशन के नाम से हम इसको इस किस्म का नाम दें, कोई और भी नाम हो सकता है, आइडिया देखें ना, एक बजटरी इवेंट हो, छोटा इवेंट हो और टारगेटेड हो उसके अंदर, क्योंकि जब आप लेकर आएंगे ना इम्पोर्टर को, तो जब इम्पोर्टर की प्रोडक्ट पड़ी होगी लोकल के साथ तो फिर वो डोमिनेट करेगी उसको। मैं चाहता हूँ कि जस्ट आप एक अपने अपने इवेंट का अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें उनको, इससे आप लोगों को इनकरेज भी करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, वो छोटे छोटे एक्सपोज में आने से उनका एक्सपोजर भी बेहतर होगा, विजन भी बेहतर होगा, विजन भी बेहतर होगा, और उनको थोड़ा सा जब एक दो बार एक्सपो पार्टिसिपेट कर लेंगे पता चल जाएगा बेनिफिट, तो आई होप कि इंशाल्लाह फिर वो रेगुलरली शायद बड़ी एक्सपो में पार्टिसिपेट करेंगे हमारे के अंदर। दूसरा मेरे दिन में एक अच्छा आइडिया मुझे दिया था मुबशिर सर, हमारे पास प्रेजिडेंट हैं, उन्होंने मैं इसमें सोच रहा था, हम क्या उन्होंने आइडिया दिया कि हम एक लोकल अपनी डायरेक्टरी बनाए, जितने भी पाकिस्तानी एफएसीआर से अफिलिएटेड लोग हैं या इस इंडस्ट्री से अफिलिएटेड जो मैन्युफैक्चरर हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, व्हाटएवर दे आर मैन्युफैक्चरिंग, एक डायरेक्टरी बनाए, उसमें उस कंपनी का नाम हो, उसकी डिटेल्स हो, कॉन्टैक्ट हो, स्पेशलिटी हो, उसकी प्रोडक्ट हो एक पेज के ऊपर, जैसे उसकी पिक्चर कुछ ना कुछ डिटेल हो, और वो उस डायरेक्टरी को सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म के अंदर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, अगर कोई बायर को कुछ चाहिए, जो मैंने बात की ना पहले लोकलाइजेशन की तरफ जाना, सब कुछ इंपोर्ट करके तो आप फिर मकसद फोत हो जाता आपका, अगर एक बंदे ने 10% का प्लान है 20% वो एटलीस्ट उस डायरेक्टरी में से फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट उसको यहाँ पे मिल सकती है, और कम अज कम दोनों का आपस में एक जो ब्रिज का रोल एक सोसाइटी अदा करे दोनों के दरमियान में, और ग्रेजुअली फिर क्वालिटी खैर वो उनकी अपनी कैपेसिटी में खुद एवेल्युएट करें, हमारा काम है कि एक डाटा को लेके उसको कंपाइल करके सब तक एक्सेस दे देना उसके, वो बंदा खुद क्वालिटी के मुताबिक उसको एवेल्युएट करे, उसने बाय करना नहीं करना, उसकी रिक्वायर्ड क्वालिटी क्या है, वो क्या दे रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो मुझे लगता है कि ये लोकल मैनुफैक्चरिंग में इससे इंशाल्लाह एचवेक इंडस्ट्री के अंदर ना कमर्शियल साइड के ऊपर इसमें काफ़ी फ़ायदा, मेरी एक और ख्वाहिश है कि हम इन हाउस से एक रिसोर्स पैदा करें सोसाइटी के अंदर वेब पेज डेवलपमेंट के हवाले से, जितने भी हमारे कमर्शियल मेंबर हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या 2-4 हज़ार में एटलीस्ट उनका एक वेब पेज एक बना के उनको बना के दे दें जहाँ पर उसके प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ताकि डिजिटल भी सोशल मीडिया पे भी उनकी थोड़ी सी प्रेजेंस मौजूद हो वहाँ पे, वो कहीं बात करना चाहें तो कम से कम ये कह सके यार कार्ड के ऊपर वेब पेज लिख दें अपना कि वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट देख लें। बहुत अच्छा आइडिया, वो एक है कि हम सेंट्रली एक सब मेंबर्स का एक्सपेंस भी रिड्यूस हो जाएगा, थोड़े पैसों के अंदर वो ये काम कर सकते। एक्सपेंस के अलावा तो उन बेचारों को बहुत सारे बंदों को इतनी अवेयरनेस नहीं है की, तो ठीक है, तो रिसोर्सेज को अरेंज करना भी एक मुश्किल काम है, वो उनके लिए मुश्किल है, वो हमारे पास एक एटलीस्ट इन हाउस एक्सपर्ट और फिर उनको अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना भी मुश्किल होता है, उसकी डाटा शीट बनाना उनको नहीं पता होता, तो वो अगर सोसाइटी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है, अब हमारे पास तो रिसोर्सेज है ना, एक बंदे को हम ट्रेन कर दें तो वो कम से कम उसका राइटअप तो कर सकता है छोटा सा कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है 2-4 लाइनों में लिख के, तो एटलीस्ट ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है, एक इनिशिएटिव लिया जाए
ये एक मेरी ख्वाहिश है, बहुत अच्छी अप्रोच है। अभी मैं अकेला नहीं कर सकता इसको, मुझे हाँ यही मैं आपसे ये कहना चाह रहा था। आपने दो दफ़ा जिक्र किया, बल्कि काफ़ी दफ़ा आप वैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझसे बात करते रहते हैं कि मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे टीम चाहिए, और ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। एक टीम ओरिएंटेड लीडर ही असल में लीडर होता है। अब मामला ये है कि आपकी सोसाइटी के अंदर एक क्लास, एक ग्रुप उन लोगों का भी है जो फॉर वन रीज़न और दी अदर किसी ना किसी वजह से कुछ अनॉयनेस है उनके अंदर। बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, उनमें वो सोसाइटी के लिए बड़े हेल्पफुल भी हो सकते हैं, और आपको मुझे लगता है कि आपके पास वो स्किल है कि आप उनको सिस्टम के अंदर इंगेज करके उनकी नाराज़गी को दूर कर सकते हैं। कुछ एजेंडे पे है ये भी आपके? डेफिनेटली, पहली बात तो जो मैं थोड़ा सा अगर इसमें कहना चाहूँ, मेरा ख्याल नाराजगी नहीं है, वक्ती तौर पे डिफरेंसेस कह लीजिए, कुछ इख्तलाफात, ओपिनियन ओपिनियन में हो जाता है, इख्तलाफ हो सकता है, हम एक चीज को दो मुख्तलिफ एंगल से देख रहे होते हैं और शायद दोनों ही ठीक हो। अभी ग्लास है, आप उस तरफ देख रहे हैं, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर ये आधा खाली है तो मैं बोलूंगा आधा खाली है, आधा भरा हुआ, तो हम दोनों ठीक है, बिल्कुल सही बात, अंदाज बयान शायद मुख्तलिफ है, वाम शायद ऐसे है, और इलेक्शन से पहले कुछ इस किस्म की थोड़ी बहुत मेरा ख्याल गलत फहमियाँ थी। अब मैं जब ओथ टेकिंग के बाद, भुट्टो साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम मेंबर हैं, जो जिन्होंने इलेक्शन का जिस दोस्तों ने बायकॉट किया था, भुट्टो साहब उनमें से थे, उनसे पहले भी रब्ता था, तो इन तमाम दोस्तों के साथ हमारे ताल्लुक बड़े पुराने हैं, 20-20 साल पुराने हमारे ताल्लुक हैं, और वो ताल्लुक इन ओहदों से बड़े हैं सोसाइटी। और मैंने ओथ लेने के बाद जो सबसे पहला बजट किया था ना, भुट्टो साहब को किया था मैंने। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, सबसे पहले, और उन्होंने बताया था कि मैं पहले आपके पास आया हूँ, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, और दोस्त सभी काबिल एहतराम है, इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे, अभी भी इवेंट पे मुलाकात हुई थी, तो कोई ऐसी नाराजगी नहीं। अच्छी बात थी कि आप लोगों के बुलाने के ऊपर बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बड़ा आला जरफी का मुजाहरा किया और आप लोगों ने उनको बड़ा अच्छा अटेंड किया, ये भी एक बड़ी आला जरफी, हम मिलते रहेंगे, ये छोटी छोटी गलतफहमी होती है, और उनको भी सिस्टम में एंगेज कर लेंगे तो आपकी जो जो पावर है उसमें डेफिनेटली जी उनको एंगेज, जितनी स्ट्रेंथ लोग शामिल होंगे स्ट्रेंथ आपकी उतनी बढ़ेगी, हमने एनर्जीज को कन्वर्ट करना है, फोकस करना है, हमने एनर्जीज को कैंसिल नहीं करना, वेरी पॉजिटिव अप्रोच के साथ, तो मेरी कोशिश है कि उनको एक फोकल पॉइंट पे उनको कन्वर्ज किया जाए, हम उनको अलाइन करें अपने साथ, ना कि हम एनर्जीज को कैंसिल करें, तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी होगी, इरादा भी है मेरा उनकी तरफ जाने का, कुछ मसरूफियत ऐसी हैं कि फिर इस्लामाबाद जाना पड़ा, फैसलाबाद, कराची ट्रैवलिंग भी है, तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपके रास्ते बेहतर होते जाएंगे, वैसे रास्ते हैं हमारे, लेकिन और पॉजिटिव इंशाल्लाह उसमें। थैंक यू वेरी मच रमजान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल से हमने आपसे बहुत सारे, आपका शुक्रिया जी कि आपने टाइम निकाला है और मौका दिया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा रब्ता रहेगा सोसाइटी के हवाले से भी, सोसाइटी में भी आपकी बड़ी जरूरत है, आपके जो एक्सपर्टीज है उस हवाले से सोसाइटी के जर्नल को बेहतर करने की मेरी इरादा बहुत अरसे से है, तो उसको पूरा रीशेप करने की जरूरत है, उसको उसमें मुझे आपकी जरूरत होगी कि आपकी मदद कीजिए, जरूरत होगी, इंजीनियरिंग पोस्ट जहां जहां आपको जरूरत होगी वो आपको पूरी सपोर्ट देगा, सोसाइटी के साथ खड़ा होगा इंशाल्लाह, मिलके इसको बेहतर करेंगे। व्यूअर्स, रमजान शरीफ साहब थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान एचवीसी सोसाइटी, बहुत डायनेमिक और बड़ी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने हमारे साथ आज यहाँ पर आप लोगों के साथ भी शेयर किए हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और अगर इसमें से ना सही सारे, लेकिन अगर इनमें से चंद भी इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिए, तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान एचवीसीआर सोसाइटी के अंदर एक बड़ा मुस्बत टर्न होगा, जो कि ओवर द ईयर्स सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए और मेम्बर्स की बेटरमेंट के लिए एक बड़ा मुस्बत कदम गिरदाना जाएगा। अगले किसी इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच।